हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हमारे पास देखिए जियो का भारत सेट आया हुआ है। इस मोबाइल में पावर बटन का प्रॉब्लम है, जो कि वाटर डैमेज होने के बाद से प्रॉब्लम आया है। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार हम ऑन करके देख लेते हैं सेट को। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सेट ऑन नहीं हो रहा है अभी। इसको हम चार्ज में लगा के देख रहे हैं कि चार्ज उठा रहा है कि नहीं। चार्ज उठाना चाहिए इसको। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, बैटरी लगा लिए हैं और चार्जिंग भी लगाए हैं, तो चार्ज हो रहा है लेकिन सेट ऑन नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे अभी देख सकते हैं। तो अगला स्टेप में इसको क्या करना है हम बता रहे हैं। पीसीबी के दूसरा साइड में आपको यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर डैमेज होकर के रेजिस्टेंस उखड़ गया था, तो इसी के कारण से सप्लाई बंद है। तो इसको हम सोल्डिंग आयरन से क्लीन कर लिए हैं। तो वहाँ तक आपको हम चेक करके दिखा रहे हैं कि यहाँ तक बीप कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चेक करना है, देखिए बीप कर रहा है मल्टीमीटर। तो यहाँ तक सप्लाई सही है। अगर सही नहीं होता तो यहाँ से वहाँ तक हम जंपर इसमें करते। तो अभी इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए जो ई वाला साइट है, एक नंबर के बाद दूसरका वाला में, यहाँ से यहाँ तक उसी में जंपर करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए हम करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम जंपर इसको कर लिए हैं आपस में। अब एक्स्ट्रा वायर को यहाँ से कटिंग कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्लीन कर लिए हैं। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक जंपर किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जंपर कर लिए हैं रेजिस्टेंस की जगह पर। तो यहीं से आप जंपर करके और ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब आपको एक बार हम चेक करके दिखा रहे हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम चार्ज भी नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सेट ऑन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।